नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में ट्रेडिंग गाइड में। तो हम आज इस वीडियो में जैपनीज कैंडलस्टिक बाय स्टीव रिसन किताब का चैप्टर वाइज डिटेल में समरी प्रस्तुत करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बेसिक चीज़ों के बारे में सबसे पहले चार्ट में चलते हैं। पार्ट वन में हम बेसिक के बारे में चलते हैं, जिसमें बेसिक के बारे में बताया गया है, कैंडल के बारे में और बार चार्ट के बारे में। तो हजारों मीलों की यात्रा जो शुरू होती है वो एक कदम से शुरू होती है, यही लेखक का कहना है। कंस्ट्रक्शन द कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक का निर्माण कैसे होता है। पहले कैंडलस्टिक में क्या होता था, कोई भी चीज़ में बीट लगाया जाता था, फिर कैंडलस्टिक जो भी प्राइस होता था ना, उसे कैलकुलेशन किया जाता था। तो यहाँ पर बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में बताया गया है बेसिक चीज़ें। आप शायद जानते ही होंगे कि प्राइस कहाँ पर ओपन होता है, कहाँ हाई लगाता है, कहाँ लो बनाता है, उसका शेडो क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि ये सब आप लोगों को पता होगा कि प्राइस ओपन होता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर जहाँ पर क्लोजिंग होता है, यदि प्राइस 100 रुपये में ओपन होता है और 110 रुपये का हाई बनाता है, ठीक है, और नीचे आता है, फिर 90 रुपये का लो बनाता है और फिर 92 का क्लोजिंग देता है, तो ये बेरिश कैंडल माना जाएगा। जस्ट इसके अपोजिट बुलिश कैंडल क्या होगा, प्राइस लो पे ऊपर होता है, हाई में क्लोजिंग और हाई बनाता है, लेकिन क्लोजिंग देता है हाई से थोड़ा नीचे, तो इसे बुलिश कैंडल माना जाता है, जिसका विक्स बनता है, हाई लो होता है और विक्स बनता है। तो सेम इसी तरीका से आप देख सकते हैं कि कैंडल कैसे बनता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा स्पिनिंग टॉप कैंडल कैसे बनता है, तो यहाँ पर आप सेम तरीके से देख सकते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है स्पिनिंग टॉप, ये दोजी कैंडल। तो इसके आप अपने प्राइस के अनुसार इसे जान सकते हैं कि कैसे दोजी कैंडल बनता है, कैसे स्पिनिंग टॉप बनता है, क्योंकि प्राइस के हाई लो, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस के आधार पर ही ये कैंडल्स बनते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं चैप्टर फोर की तरफ। अब सीधे चलते हैं हम लोग रिवर्सल पैटर्न की तरफ। तो डार्कनेस लाइज 1 इंच अहेड, अंधेरा 1 कदम आगे है। तो सबसे पहले लेखक यहाँ पर बताते हैं कि रिवर्सल पैटर्न जो होते हैं, जैसे कि टॉप पर बॉटम पर जो बनते हैं, डबल टॉप बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, आइसलैंड टॉप बॉटम हो गया, ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होते हैं। तो रिवर्सल पैटर्न के बारे में मिथ है कई लोगों का कि मार्केट रिवर्सल पैटर्न आते ही रिवर्सल हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो लेखक का कहना है कि यदि कोई गाड़ी 30 मील प्रति आवर के हिसाब से चल रही है, तो वो गाड़ी क्या करेगी, ऐसे उसे रिवर्सल लेना है तो वो गाड़ी क्या करेगी, जाहिर सी बात है वो गाड़ी ब्रेक लगाएगी, पहले स्टॉप करेगी, स्टॉप लेने के बाद ही वो डिसाइड करेगी कि उसे आगे की यात्रा जारी रखनी है या फिर रिवर्सल लेनी है। तो रिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि मार्केट तुरंत रिवर्सल ही ले लेगा। तो रिवर्सल में क्या हो सकता है कि जो ट्रेंड चल रहा होता है उसके रुकने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि ट्रेंड में बदलाव हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी की जाती है, उसे रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। ये नहीं कि मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया, हो सकता है मार्केट साइडवेज चला जाए, उसके बाद निकले ऊपर ऊपर की तरफ, या फिर नीचे आ जाए, या फिर साइडवेज करने के बाद गिरे। तो ये 2-3 कंडीशनें हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं चार्ट में, तो टॉप रिवर्सल कितने प्रकार से होता है। तो टॉप रिवर्सल 3 प्रकार से होता है। तो पहला रिवर्सल है, प्राइस अगर एक अप ट्रेंड में जा रहा है तो हो सकता है कि वो साइडवेज हो जाए, साइड होने के बाद नीचे आए, हो सकता है दूसरे पॉइंट में अप ट्रेंड में जा रहा हो और थोड़ा सा लोअर लो और लोअर हाई बनाए और फिर उसी दिशा में चला जाए, और हो सकता है कि प्राइस चल रहा हो अप ट्रेंड में और डायरेक्ट कोई ऐसा पैटर्न बने फिर नीचे आ जाए। तो ये 3 कंडीशनें हो सकती है, लेखक का कहना है। यदि कोई ड्राइवर 30 मील प्रति आवर के हिसाब से गाड़ी चला रहा है, तो क्या वो तुरंत रिवर्सल ले लेगा, पहले ब्रेक मारेगा। तो ब्रेक पॉइंट, दिस इज अ ब्रेक पॉइंट है,
इस ब्रेक पॉइंट को आपको देखना है कि कहाँ पर रिवर्सल कैंडल का निर्माण होता है, कैंडल स्टिक का निर्माण होता है। तो यही है, इसे हम रिवर्सल पैटर्न बोल सकते हैं, लेकिन ये मार्केट रिवर्स करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ट्रेंड में बदलाव को बताता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये चांसेस है कि इसकी स्पीड जो है ना कम हो चुकी है, इसको बोला जाता है रिवर्सल। ये नहीं कि पूरा ही रिवर्सल है, इसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से लेखक ने बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रोड क्रॉस करने का साइन है कि चिन्ह है कि रिवर्सल हो सकता है, कि ट्रेंड में बदलाव आ सकता है। तो पहला बदलाव कौन लाता है, आइए टॉप रिवर्सल के बारे में जानते हैं, वो है हैमर एंड हैंगिंग मैन। ये कैंडलस्टिक पेंडर बहुत ही पावरफुल है दोस्तों, चलिए इसके बेसिक्स बारे में जानते हैं। तो हैमर कैंडल जो बनता है, ये बनता है हैमर और हैंगिंग मैन सेम कैंडल फॉर्म होता है। अगर टॉप पे अगर कोई प्राइस हायर हाई बना रहा है, अगर यहाँ पर इस प्रकार का कैंडल बनता है तो इसे हैंगिंग मैन बोला जाता है। और हैमर क्या होता है, यदि प्राइस लोअर लो बनता जा रहा है और यहाँ पर निर्माण होता है तो इसे हैमर बोला जाता है। इसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो विक्स होता है इसका, ये इसका बॉडी से डबल होना चाहिए। इस बॉडी से इसका विक्स जो है डबल होना चाहिए, ये इसका फॉर्मेशन है। और कभी भी इसके प्राइस के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये इसका एंट्री पॉइंट होता है। तो ये था हैंगिंग और हैमर के बारे में। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि लेखक यहाँ पर आप तीन कैटेगरिया को बांटते हैं कि रियल बॉडी इज़ द अपर एंड एंड द ट्रेडिंग रेंज। कभी भी ट्रेडिंग रेंज जो होता है वो अपर साइड में होता है, उसका जो बॉडी बनता है वो अपर साइड में बनता है, हैंगिंग मैन हो चाहे हैमर हो, इसके बॉडी और शेडो जो होता है ना बॉडी से डबल ही होता है। देखिए उसका जो हाइट है ना वो रियल बॉडी से डबल होना चाहिए, और कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। ये बनना चाहिए टॉप और बॉटम पे, ये तीन कंडीशनें हैं हैमर और हैंगिंग मैन में। तो बहुत सारा एग्जांपल लेखक ने यहाँ पर आप दिया है, यहाँ पर आप दे सकते हैं मार्केट नीचे, यहाँ पर आप दे सकते हैं हैमर, फिर नीचे ऊपर, फिर यहाँ पर बना है, फिर हल्का सा नीचे। तो बहुत सारा एग्जांपल यहाँ पर लेखक ने दिया है, साथ ही साथ इसमें कुछ मिथ भी है, उसको लेखक ने यहाँ पर डिसाइड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैमर और हैंगिंग मैन का कैंडलस्टिक पैटर्न जो रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर तो हैमर बना अब मार्केट ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अब एक ट्रेंड मिला, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक ट्रेंड मिला, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे आया। तो बहुत सारा पैटर्न है जो काम करता है, एक्चुअल में वर्क करता है। आप घनश्याम टेक को जानते ही होंगे, ये उनका फेवरेट है हैमर पैटर्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं नॉट आ हैमर, ये हैमर नहीं माना जाएगा क्योंकि एक बहुत बड़ा कैंडल रेड कैंडल बना है, उसके बाद ये ऐसा कैसे रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि इसका जो बॉडी है वो बड़ा है और विक्स इससे डबल नहीं है। आइए अब चलते हैं डार्क इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। इंगल्फिंग पैटर्न जो होता है ये पैटर्न रिवर्सल पैटर्न होता है, लेकिन इसमें जस्ट ऑपोजिट कैंडल होता है, ऑपोजिट कैंडल होता है, ये टॉप और बॉटम पर बनता है सेम इसी तरीका से। इसका भी कैटेगरिया लेखक ने बांटा है, ये मार्केट के अप ट्रेंड में बनेगा या फिर डाउन ट्रेंड में बनेगा तभी इसका वैल्यू गिना जाता है। दूसरा है इंगल्फिंग पैटर्न क्या करता है, पुराने बॉडी को इंगल्फ करता है, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा कैंडल एक कैंडल बना है तो अगले दिन अगर बुलिश होना रहेगा तो इस कैंडल को घटक लेगा, इस घटक को घटक लिया तो ये हो गया, ये बुलिश कैंडल हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया। अब बेयरिश इंगल्फिंग क्या होता है, ये यहाँ पर एक कैंडल बनता है फिर इस कैंडल को घटक लेता है, अब ये बनता है टॉप पर तो इसे बोलता है बेयरिश इंगल्फिंग, ये फिर नीचे आएगा, प्राइस नीचे को ले आएगा, तो इसे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बोला जाता है। कैंडल का जो बॉडी होता है ये इनमें मैटर करता है, इसका विक्स साइज मैटर नहीं करता बेयरिश इंगल्फिंग और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में। तीन चीज़ें लेखक ने यहाँ पर बताया, कलर मैटर नहीं करता इसमें कलर मैटर करता है,
और इसमें बॉडी को इंगल्फ किया जाना चाहिए। और प्राइस क्या करता है, जैसे प्राइस यहाँ पर अगर बेयरी स्केटर बनता है तो प्राइस जो है ना अगले दिन ना इस क्लोजिंग के ऊपर ओपन होना चाहिए, ऊपर से एकदम सेलिंग आना चाहिए और सेलिंग के बाद इस कैंडल को गटक लेना चाहिए, ये इसका रूल है। अगले दिन के कैंडल से प्राइस ओपन होना चाहिए और एकदम सेलिंग आना चाहिए, तभी ये बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न माना जाएगा, तभी एक डाउन शार्प देखने को मिलेगा। जस्ट इसके ओपोजिट होता है, वो होता है बुलिश। बुलिश में भी सेम देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग तो दिया है लेकिन इसके नीचे ओपन हुआ है और फिर ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, तो ये होना चाहिए, ये यहाँ पर क्लोजिंग दिया है तो अगले दिन प्राइस यहाँ पर ओपन होना चाहिए, ओपन होने से यहाँ पर एकदम बाइंग आना चाहिए, फिर यहाँ पे क्लोजिंग देना चाहिए ऊपर। तो ये हो गया बुलिश इंगल्फिंग, ये हो गया बेयरिश इंगल्फिंग, तो ये इसका कैरेक्टर है। और जस्ट इसका कैंडल जो है ना ओपोजिट होना चाहिए, जैसे रेड बना है तो ये ग्रीन बनेगा, ऊपर में ग्रीन बना है तो अगला कैंडल रेड बनेगा, लेकिन ऊपर से सेलिंग गैप अप होना चाहिए, प्राइस और सेलिंग आना चाहिए। ये है इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। यहाँ पर बहुत सारा एग्जांपल आप देख सकते हैं, मार्केट में सादा चार्ट लगा के देखिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए, ये एक्चुअल में वर्क करता है। अब देखते हैं डार्क क्लाउड कवर, ये दिखने में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके कुछ खासियत अलग हैं जो इनको अलग बताता है। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बताते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल होता है वो स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रियल बॉडी स्ट्रॉन्ग होता है, फिर सेकंड डे जो ओपन होता है ना उस कैंडल के हाई पे ओपन होता है। जैसे डार्क क्लाउड कैंडल क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैंडल क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ग्रीन कैंडल बना, फिर अगले दिन ना प्राइस क्या करेगा, गैप अप ओपनिंग होगा, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ना नीचे आएगा और नीचे कम से कम इस कैंडल के 50% पर क्लोजिंग देगा। तो ये हल्का सा प्राइस के एंगल को चेंज करता है, ऐसे हम बोल सकते हैं इस तरीके से। तो ये इसका रोल है कि प्राइस क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर अगले दिन प्राइस गैप अप ओपनिंग होगा, गैप अप ओपनिंग के बाद सेलिंग आएगा, लेकिन इस लो को काटेगा नहीं, इस कैंडल के 50% पे क्लोजिंग देगा, ये इसका खासियत है। ये लगता है बुलिश इंगल्फिंग जैसा ही है लेकिन पूरा इंगल्फ नहीं कर पाता, इसे डार्क क्लाउड कवर कहा जाता है। साथ ही इसका भी कैंडल ऑपोजिट होना चाहिए, अगर ये टॉप पर बनता है तो डार्क क्लाउड, अगर नीचे बनता है तो पियर्सिंग लाइन। आने वाले इसी टॉपिक में हम बोलेंगे। तो देखिए 50% इस कैंडल का, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि 50% इस कैंडल का, प्रीवियस कैंडल का, उसके यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग देना चाहिए, इसे बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर, जो बहुत ही अच्छा रिवर्सल कैंडल है। तो यहाँ पर और खासियत बताते हैं लेखक कि इसका जो वॉल्यूम है, जैसे प्राइस ने डार्क क्लाउड बनेगा तो ये वाला जो कैंडल बनेगा स्ट्रांग ग्रीन कैंडल, इसका वॉल्यूम कम रहेगा, लेकिन जब प्राइस ओपन होगा यहाँ से और एक रेड कैंडल बनाएगा तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, हालांकि इस वाले के आधा आएगा, यहाँ पर आधे पे क्लोजिंग देगा। ये है डार्क क्लाउड कवर का, बहुत सारा एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे काम करता है, और वन वे मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है डार्क क्लाउड कवर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, इंडेक्स लगा सकते हैं, निफ्टी 50 लगा सकते हैं, बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, यही बेहतरीन तरीका है सादा चार्ट को देखने का। सेकेंड यहाँ पर देख सकते हैं, उसी को बता रहे हैं कि रियल बॉडी के बारे में बता रहे हैं, ये क्या करता है, ये कभी भी बन सकता है, ये नहीं कि प्राइस ने ऐसे मूव किया है, यहाँ पर ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद रिटेस्टिंग जाएगा, फिर यहाँ पर भी फॉर्म हो सकता है, फिर गिराएगा। तो ये तरीका लेखक बता रहे हैं कि ये प्रीवियस हाई को तोड़ेगा तो भी बन सकता है, प्रीवियस लो को तोड़ेगा, या फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगा तब भी ये बनता है, तो वहाँ पर भी फॉर्म हो सकता है, तभी इसका रूल अप्लाई होगा। अब देखते हैं पियर्सिंग लाइन। तो जैसा कि हमने जाना कि प्राइस, ये डार्क क्लाउड क्या करता है, ओनली टॉप पर बनता है, टॉप रिवर्सल कैंडल है, ये जो पियर्सिंग लाइन है ये बॉटम रिवर्सल कैंडल है, ये बॉटम पे बनता है हमेशा, ये बनेगा डाउन ट्रेंड के दौरान ही बनेगा, फिर यहाँ से बुलिश को डिसाइड करेगा।
तो ये अब इसे बोला जाता है पियर्सिंग लाइन कैंडल। आइए इसके बारे में डिटेल जानकारी करते हैं। ये भी सेम सार्पली मार्केट में डाउन ट्रेंड में ही बनेगा, इसको ही लेखक बता रहे हैं। फिर एक पुल बैक बनेगा, फिर यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा, तो इसे पियर्सिंग लाइन कैंडल बोला जाता है। सेम इसी तरीका से भी उसका फॉर्मेशन जो रहा थोड़ा सा उसी के समान होता है, लेकिन जस्ट उल्टा होता है। सेम एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, फिर प्राइस जो है यहाँ पर ओपनिंग होगा, ओपन मतलब गैप डाउन ओपन होगा। गैप डाउन ओपन होने के बाद जो है ना, फिर ये इस कैंडल के 50% पर क्लोजिंग देना चाहिए, इसे बोलते हैं पियर्सिंग लाइन कैंडल। इसका भी बॉडी मैटर करता है, विक्स मैटर नहीं करता। इसमें भी तीन खासियत चीज़ें हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन, जिसे अलग अलग नाम दिया गया है। पहला है प्राइस, ये तो ज़बरदस्त डाउन कैंडल देखने को मिला, लेकिन एक दोजी कैंडल मिला जो इस नेक लाइन को ही क्लोजिंग दे पाया, यानी टच कर पाया। दूसरा है इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चला गया, ये जो कैंडल बना अगला दोजी कैंडल बना, फिर जो अगला कैंडल बना यहाँ पर, ये इसका 50% गया। तो अलग अलग नाम दिया गया है, एक ने नेक के पास गया, नेक लाइन के अंदर चला गया, और दूसरा है ये इसके आधे चला गया, 50% चला गया, तो ये भी पियर्सिंग लाइन है। तो तीन तरीका भी इसमें दिया गया है कि, लेकिन ये क्या करते हैं, ये कभी कभी ना अपवाद हैं, ये उसी दिशा में चला जाते हैं और ट्रेंड को चेंज नहीं कर पाते। तो इसी को लेखक ने बताया है कि ये कंटिन्यूशन में भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पियर्सिंग लाइन कैसे काम करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी मैं बात बोलूँ एक बात, तो आप अभी बैंक निफ्टी का चार्ट लगाइए, वीकली चार्ट में ये पैटर्न बना है, पियर्सिंग लाइन बना है, जा कर के देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। पियर्सिंग लाइन बना है तभी मार्केट ऊपर गया है, वीकली चार्ट लगा कर देखिए तब आपको समझ में आएगा। ये था दोस्तों इस किताब का, हमने जाना रिवर्सल पैटर्न के बारे में। आने वाले वीडियो में कितने भी मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, दोजी स्टार, जितने भी स्टार कैंडल है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।